बहुत सब गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी जा रहे हैं कार्डियो करने 20 मिनट्स और करते करते ही क्लास कर लेंगे, जो कि मुझे बेस्ट लगता है कि भाई कार्डियो हो गया क्लास भी हो गई। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की सुबह सुबह, मेरा जो बैंक है आपको तो पता नहीं, मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्योंकि हर दो घंटे मैसेज भेजता है, डियर कस्टमर द बैलेंस इन योर अकाउंट इज सो एंड सो। तो वो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि भाई अभी और काम करना है। सो हमारा कार्डियो इज डन। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि 9 बजे की क्लास थी वो कैंसिल हो गई, नहीं हो रही अब। और बैड न्यूज़ है कि कार्डियो करते करते मुझे फिर से वैसा लगा, जो बैक की इंजरी नहीं हुई थी, हल्का सा पिंच नहीं हुआ था, बिल्कुल सेम हल्का सा वैसा लग रहा है अभी। तो नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बॉडी झुकनी होगी ना तो अगले 2 घंटे में झुक जाएगी। बॉम्बे गया था ना, ट्रीटमेंट नहीं ले पाया, डायथर्मी नहीं ले पाया। सामान देख लो, बैड न्यूज है, बैक में एकदम से वैसे हो रहा है, फर्स्ट डे नहीं हुआ था, अंदर क्यों नहीं घुस गई थी, नहीं गई थी ना रात को, डायथर्मी कह रहा था ले ले। चलो चलो क्लास कर लो, बाद में बाकी देखना। चलो चलो भगला भगला भगला, छोड़ा लग रहा है बहुत छोड़ा। मम्मा रशि क्लास जा रहा है, अरे पापा को तो किया ही नहीं तूने आज। ले ओ कहाँ छुप गया। हाँ चलो 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 चलो। फटाफट जाओ फिर नहा, माँ को लेके आएंगे। फिर हम बना रहे हैं अपना नाश्ता, प्याज कट चुके हैं, और पीयू यहाँ धूप सेक रही है। हाँ भाई, हाँ पीयू, हाँ मेरा बच्चा। अंडे बच्चे का बनाए उसकी चाय गरम हो रही है, यहाँ पे पालक हो रही उबली हुई, ये रख देते हैं माँ के लिए। पापा क्या करना है? क्या क्या, चलो माँ को लेके जानते। चलो सो गाइस, आज हम माँ को लेने जा रहे हैं, तो हम ऐसे कर रहे हैं कि हम इतना एक्साइटेड हो कि क्या बताऊं, है ना। तो हम अभी माँ को लेने जा रहे हैं, आप जब माँ जाएगा तो आप। और ये देखो मैं बोले पापा। हाँ चलो चलो चलो, इधर इधर इधर। नमस्ते भैया, कैसे हो? ओह अच्छा, तुम्हारा नहीं है, कोई और है। तो फिर लगा माऊ है सामने, रशि हमने पहचान नहीं पाया, क्या बात है। माऊ जैसा नहीं, ये दूसरा है, ये माऊ जैसा नहीं लग रहा। अभी माऊ तो पगला गया होता है ये, मतलब ये माऊ को ले आइए, प्यार कर सकते हो, प्यार तो कर सकते है। हाँ मेरा बच्चा, भैया ये हस्की है ये। हाँ 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 मेरा बच्चा, इतना एक्साइटेड क्या बताऊ। ये देखो हस्की के बाल, देखो भाई रशि, ये देखो कितने बाल हस्की के। देखो माँ आ गया, माँ आ गया, भैया कह रहे हैं अपने आप निकला आपकी आवाज सुन के, देखो परेशान है। माँ माँ, इसको प्यार करो, देखिए लोग भोग रहे कि हमको भी प्यार करो, देखो जरा। माँ हाँ हाँ मिला बच्चा, हाँ बस बस पहन लो पहन लो पहन लो, देख चला आप पे कूदेगा, आप पे कूदेगा, आप पे कूदेगा। मत निकालो अपना मुंह बाहर, ठीक है, माँ को निकाल देना। वेलकम होम मेरे पास नहीं है माँ। ले देखो पगला गया, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहुत ऊपर छने लगा आजकल ये। घर आया इसको आधा घंटा हो गया, अब जाके शांत बैठा है, तब से घूमे जा रहा घूमे जा रहा, अब थक गए। 15 मिनट खेलता फिर पानी पीता, 15 मिनट खेलता फिर पानी पीता। देखो फिर से एनर्जी आ गई, ये देखो फिर एनर्जी आ गई। ये कौन सा ड्रेस है मम्मा? ये गाना था ना जो देवगन का, टावल में बाहर ना जाया करो नजर लग जाएगी। नाइना हस्बैंड और अभी जा रहे हैं एक मीटिंग करने, और मैं बनाऊंगा फिल्टर कॉफी, जो कि मैं मुंबई से लेके आया था, मुझे फिल्टर कॉफी बहुत पसंद है। काफी सिंपल था, बस ये इसमें लिक्विड था, लिक्विड पोर किया, गर्म पानी डाला और बन गई। क्या स्यापा कर रही है ये, क्या कर रही है ये, क्या करा इसने ये, क्या ये पीला पीला ये क्या रशि? इसने अंडा मिला दिया उसमें, नहीं पानी था, पानी मिलाया ना रशि,
पानी मैगी वर्क मिला दिया इसने। और इसने तेल मिला दिया है, सब कुछ मिला दिया इसने। क्यों करते हो गंदे काम, क्यों करते हो गंदे काम, पिट्टी हो आप? रशि ये तेल मैंने बनाया उधर पीयू को लगाने के लिए बेटा। रशि बच्चा यार एक बार, तभी हम जा रहे हैं रशि को निशा मासी के यहाँ छोड़ने, क्योंकि इसकी वहाँ पे ट्यूशन भी है और आयुष साथ खेलेगी भी, है ना। फिर दादा दादी आएंगे, फिर क्या करोगे? फिर इतने दादा दादी आ जाएंगे, इतने मैं खेलूंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। गुस्सा गुस्सा तो हमारा पोपट हो गया, निशा मासी घर पे नहीं, तो वापस जा रहे हैं अभी। अब निशा मासी नहीं तो मैं क्या करूँ भाई, रोक आ रहे हो, मेरी गलती थोड़ी ना। मासी कह रही जब आएंगे तो तेरे को घर से ले जाएंगे, ठीक है। तो हम बना रहे हैं वैलेंटाइन कुछ इस प्रकार, यहाँ पे चल रही है कुकिंग, यहाँ पे चल रहा है बच्चे का ख्याल, और यहाँ पे चल रही है वॉशिंग। आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट आप अपनी पत्नी को, पार्टनर को दे सकते हैं वैलेंटाइन पे, उनका हाथ बटा के काम होने। तो आज मैडम थोड़ी ज्यादा बिजी है, हमने सोचा कि हम काम कर लेते हैं और पीयू का ख्याल रख लेते हैं। पीयू को ना किचन में बैठा लो और काम करते रहो, बेचारी का मन लगा रहता है ना। रशि पीयू रो रही थी, रशि आकर उसको चुप कराने लगी, खराब खराब हंसती आपको देख के। ज्यादा समा मैंने कहा रशि जिस हाथ से माओ को प्यार करती उस हाथ से पीयू को प्यार ना किया करो, अलग अलग हाथ आते हैं। गुड न्यूज दे कि मेरी बैग बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बैड न्यूज है कि दादा दादी को आना था, वो नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे को मेरा कुछ डेटा था जो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। तो दादी कहती कि उनके लैपटॉप में शायद वो था, उनका लैपटॉप खराब हो चुका था, तो पापा उसको बनवाने गए, उसका बैकअप लिया। हालांकि बैकअप मिल गया है और डेटा हो चुका है सॉर्टेड आउट, बट उस चक्कर में बहुत लेट हो गया। मैंने कहा अभी आप लोग रात को ड्राइव मत करना, तो कल ही आना, तो दादा दादी सुबह आएंगे भाई। कैसे देख रही है, जो भी लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं उनके लिए जरूरी चीज शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 3-4 रील पोस्ट की जो कि अच्छी चली, लोगों को पसंद है, लोगों ने प्यार दिया। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं जब मन नहीं कर रहा होता, जब मैं कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, तो मैं रील नहीं बनाता। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि मैं हर ट्रेंड पे बनाऊँ, मैं कुछ ट्रेंड्स पे ही बनाता हूँ। तो बीच में ऐसा एक टाइम था 15 दिन का जब मैंने कुछ रील अच्छी फोटो भी नहीं आ रही, घर पे ही है, नहीं डाला। बस आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या रियलाइज किया। एक हर एक प्रोफेशन में होता है कि आपको सेटल नौकरी है, जॉब है, ठीक है, आपको वो काम आता है, उतनी मेहनत नहीं भी करेंगे तो चलता रहेगा, उतनी सैलरी आपकी आती रहेगी। लेकिन एक सोशल मीडिया की जॉब है या प्रोफाइल है जहां पे आप सोचे कि मैंने ये लेवल अटेन कर लिया तो मैं और मेहनत ना करूं, जिस दिन आपने मेहनत करना बंद की वो व्यूज एंगेजमेंट चले जाएंगे डाउन, वो स्टेबल नहीं रहते, जैसे नॉर्मल जॉब में स्टेबल रहते हैं, और मेहनत करो तो ऊपर जाएगा। जब मैंने भाई साहब 15 दिन के लिए रील फोटो नहीं डाली, ऐसा आप मानेंगे नहीं, मेरी प्रोफाइल डाउन जाने लगी, नेगेटिव में चले गए थे मेरे फॉलोअर्स जो की दैट इज अ इंडिकेशन एंड साइन बाय द प्लेटफॉर्म की बॉस, अगर कंटेंट चर्न आउट नहीं करोगे तो फेज आउट हो जाओगे। ऐसे भी क्रिएटर्स होते हैं यहाँ पे फर्क ना पड़ता होगा, क्योंकि उनके नंबर्स उतने ज्यादा है कि उनको नेगेटिव 1% का फर्क नहीं पड़ता होगा। बट जो मोस्टली जो लोग स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द जनता होती है, उनको नेगेटिव 0.01 से भी बहुत फर्क पड़ेगा। दिस डजंट मीन कि आप ब्रेक लेना बंद कर दें, बट हाँ हम पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चौराहा जो कि है हुसड़िया चौराहा। और आज से गुड न्यूज है कि लखनऊ के जिम्स खुल चुके हैं, बहुत ज्यादा नाइंस ऑफ यू यूपी की जनता के साथ खुशहाली ही खुशहाली होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे जिम खुल चुके हैं। बस आप इतनी भीड़ का लग गई, सब आज जिम ही जा रहे हैं सारे लोग। चलो चलो, ये क्या है भाई, ये देखो पूरा हल्ला मचा दिया। तो निशा और निशा के हस्बैंड गए आज वैलेंटाइन पे, ऋतु इन सबको बेबी सिट कर रही है आज। हमारा वैलेंटाइन डे भी खास ही बन रहा है आज, तेरा तो खास ही बनाऊंगा बच्चों के साथ। बाहर इसके दोस्तों की लड़ाई हो गई है, इसको जाना है बाहर, इसको कह रहे पापा मुझे बाहर जाना, मुझे देखना है क्या बाहर, नहीं जाना तुमको बाहर, बैठो यहाँ पे। नो भाई बहुत नींद आ रही है, ब्लॉग को करता समाप्त। मॉम डैड कल सुबह चलेंगे बेचारे मेरी ड्रेस से काम में, अटक गया जा नहीं पाए। ऑन दैट नोट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, वादे के मुताबिक एंडिंग अब हर व्लॉग में हो रही है। अपना ख्याल रखिए, बाय।